संग्रहालय यहाँ पर, और संग्रहालय के भाई ये दो बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के डिफरेंट बस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको क्राफ्ट म्यूजियम। शायद ही आप लोग पहले वहाँ कभी गया होगा। आपको अगर क्राफ्ट म्यूजियम आना है तो आपको सबसे पहले पुराने किले के स्टैंड पे उतरना पड़ेगा, जो कि हमारा दिल्ली में है, और साथ में ही हमारा जू वाला स्टैंड भी वहीं पर ही है। और पुराने किले पर उतरने के बाद इसके जस्ट सामने हम लोग आएंगे, और उसके बाद आप मेरे पीछे देखेंगे, ये मेरे पीछे क्राफ्ट म्यूजियम है। पुराने किले के स्टैंड पे उतरते हैं तो आपको फिर आना पड़ेगा इस वाली रोड पे, हल्का सा पीछे जाके पुराने किले की बाउंड्री आपको दिख रही है। तो बाउंड्री दिखने के बाद ये देखिए पुलिस के बैरिकेड लगा है, और ये रहा मेरा क्राफ्ट म्यूजियम जहाँ पे मुझे जाना है अंदर की तरफ। और चलते हैं क्राफ्ट म्यूजियम की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है ऐसा जो मैं आपको कह रहा था कि इधर आना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा नया डेवलप हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। मैं काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ। तो आप देखिए इसका गेट, देखिए ये किसका एंट्री गेट है, और एंट्री गेट भी आप देखिए कितना यूनिक बनाया हुआ है इन्होंने एकदम। ये एंट्री गेट है क्राफ्ट म्यूजियम, और ये इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी। तो ये एड्रेस आप देख लीजिए, जब भी आपको आना हो आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं। म्यूजियम में जाने के लिए सबसे पहले हमको ये एंट्री करनी पड़ेगी, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ पर ये मेटल डिटेक्टर है, इसकी अगर आपको एंट्री करनी है उसके बाद सीधे आप चलते रहिए। तो बहुत प्यारा हर्ट टाइप बनाया हुआ है, और चलते रहिए और देखिए प्लांट्स, वेदर देखिए यार, वेदर बहुत प्यारा है। इस तरफ कैफ़े वगैरह है, अगर किसी को भूख लगी है, खाना पीना खाना है वो इस तरफ खा सकते हैं, अदरवाइज़ लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑल्सो यूनिक। तरफ से आया हूँ, और ये एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर के जस्ट बगल में देखेंगे तो एक क्राफ्ट पूरी वॉल पे पेंटिंग की हुई है। तो अगर आप देखें ये पूरी जो वॉल है, इस पूरी वॉल पे सेम पेंटिंग है, और जो अलग अलग स्टोरी डिफाइन करती है। तो चलते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड भैया से पूछते हैं किस किस तरफ जा सकते हैं हम लोग, और किस एरिया में टिकट है। भैया इसमें हम लोग घूमने का इस तरफ को है तो क्राफ्ट म्यूजियम में जस्ट मैं यहाँ से अंदर आया हूँ। तो अंदर आने के बाद ये देखिए किस तरीके से इन्हें पुराने ज़माने के जिस तरीके से घर होते थे तो उनको कैसे रिक्रिएट किया हुआ है, कि हाँ उनको एक संजो के रखा है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें पता हो कि पुराने ज़माने के लोग किस तरीके से रहा करते थे। सेम आप देखिए तो उस वहाँ पर भी आप देखेंगे एक घर उस तरफ है, और उसमें वो आपको पूरा एकदम ये देखिए पूरा इस तरफ ये छप्पर वगैरह डाला हुआ है, और यहाँ पे इवन सूत काटने की मशीन, सूत काटने वाला जो चरखा था वो भी है, और इस पे देखिए आर्ट, हैंडमेड आर्ट जो था वो भी किया हुआ है। तो ये जो कुटीर है वो कहाँ का है वो आपको देखने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर कुटीर है। तो ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर के घरों को डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम आगे की तरफ जाएँ तो यहाँ पे एक घर ये भी है जिसमें कि पूरा छप्पर वगैरह डाला हुआ है, और नीचे आप गाय बैल भी देख सकते हैं, तो गाय बैल वगैरह भी बनाया हुआ है। ये एक तरीके कोहलू है ये, एक्चुअली जितना मुझे समझ में आ रहा है ये कोहलू है, और बैल घूमते थे, और ये पूरा से कोहलू तेल निकाला जाता था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक कोहलू है, तो उसी के बारे में ये दिखाया हुआ था। तो चलते हैं आप दूसरी तरफ, जो दिखाई ये है एक राजस्थान की बैलगाड़ी। तो राजस्थान की जो बैलगाड़ी है उसको भी संभाल के रखा हुआ है यहाँ पर इस म्यूज़ियम में। तो ये जो है राजस्थान की बैलगाड़ी है, और इसको पास से देखें तो पास से कुछ ऐसे दिखती है, ये बैलगाड़ी है। ओहो, तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये एक जगह है यहाँ पर लिखा हुआ है देव नारायण का देवरा, ये पुराने ज़माने में किस तरीके से ये होते थे। तो आप उसमें अंदर देखो मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, पता नहीं इसमें एक्चुअली वो सिक्योरिटी गार्ड जा रही है, और यहाँ पे वीडियो बना अलाउड नहीं है, तो मैं चुपके बना रहा हूँ। बैलगाड़ी कैसी होती थी बैलगाड़ी वो देखो, ये इस तरीके से बैलगाड़ी होती थी, इसके नीचे बैल आते थे यहाँ दोनों, और यहाँ पीछे कोई बंदा जो भी है वो बैठते थे। और ये बहुत प्यारी शेडिंग की हुई है, पूरा बैम्बू का बनाया हुआ है, तो ऐसा कुछ है। तो वहाँ पर एक घर भी है, एक घर ये इस पहाड़ी पे जो घर बने रहते थे तो उनके बारे में दिखाया हुआ है। ये टॉप पे मस्त पहाड़ी बनी हुई है, और
वो बहुत सही। पास से चलते हैं पहाड़ी को, थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। तो ये जो बना हुआ है, ये यहाँ पे खिड़की हैं, ये स्विच बोर्ड लगे हुए हैं भैया लाइट वाइट जलाने के लिए, और ये इवन कुंडी भी लगी हुई है। यहाँ पुराने ज़माने में जो सांगल यूज़ होती थी, ये सांगल यहाँ पे हुई है। और अगर बात करूँ कार्विंग की, तो यहाँ पूरी कार्विंग वगैरह की हुई है यहाँ पे। ओह माय गॉड, स्पेशल कार्विंग। तो काफ़ी यूनिक जगह है यार। तो आप मेरे पीछे देखोगे यहाँ कंप्लीट शूटिंग चल रही है, और पीछे ये असम वगैरह के लोग शूटिंग वगैरह चल रही है काफ़ी। तो बहुत टेक ले चुके हैं भाई, मॉडलों की तो हालत ख़राब है। इससे समझ में आता है कि शूटिंग करना आसान काम नहीं है। और इस तरफ भी देखो, ये घर के पास भी पीछे ये लोग बैठे हुए हैं लेके अपने जो भी है सेटअप वगैरह, और यहाँ भी ये लोग शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे की तरफ शूटिंग वगैरह चल रही है, तो मॉडल वगैरह इस तरफ बैठे हुए हैं। ये हमारा, ये भी पुराने तरीके से घर वगैरह दिखाए हुए हैं यहाँ पे सारे। तो मैं डिटेल में तो नहीं बताना चाह रहा कि आप एक एक चीज़ को, लेकिन हाँ, इस तरीके से पहले ज़माने में आंगन हुआ करते थे, और ये शेड छप्पर वगैरह डाला हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए आप, कितना प्यारा बनाया हुआ है एक ये। तो अंदर की तरफ चलते हैं, और एक्चुअली यहाँ का सीन एक ये है कि ये जो स्लिपरी एरिया है ना, ये काफ़ी स्लिप हो रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की है। और ऐसे करके हम चलते हैं आगे की तरफ, और देखते हैं कुछ नया सा कुछ हमें दिखता है या नहीं। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से होते थे पुराने ज़माने के घर, गोल छप्पर के डले होते थे, और इन पे बारिश भी नहीं ज़्यादा स्टे करती थी, बारिश भी इसके सारे नीचे आ जाती थी। और ये कंप्लीट मिट्टी के हुआ करते थे, और इस तरीके से विंडो हुआ करती थी पुराने घरों में। आप देखेंगे तो ये सिर्फ विंडो, एक इन्होंने विंडो टाइप बना रखी है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, और ये देखिए, ये कंप्लीट पुराने घरों का डिज़ाइन कि हाँ यार, पुराने ज़माने में घर कैसे हुआ करते थे एक्चुअली। तो अगर मैं ये गांव वाले एरिया की बात करूं, तो यहाँ पे ये एक एंट्री गेट है। एंट्री गेट पे आप देखेंगे कि ये जो कॉलम बनाए हुए हैं, तो इसमें भी आप देखिए कंप्लीट एक तरीके से आर्ट्स है, ये कंप्लीट मेटल आर्ट है ये। और इसमें आप ये देखिए, ये कोई आदमी है जिसने भाला पकड़ा हुआ है, ये भी आदमी, और ये हिरन या कोई एनिमल बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से कंप्लीट डोर पे भी यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, ये कंप्लीट डिज़ाइन है। ये देखिए कंप्लीट। तो हर 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 बंदा एक अलग पोज में है, और अलग उसमें है, ये ढोलक बजाते हैं। और सेम इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये है। तो हमारा गांव वाला एरिया, अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने नॉर्मल थोड़े से और कुछ दिखाने, कुछ स्पेशल दिखाने। तो आई होप आपको ये जो गांव वाला एरिया है, ये पसंद आया होगा। अब इसके तो अभी हम बाहर की तरफ आ गए हैं। बाहर की तरफ आने के साथ मुझे यहाँ पे एहसास हो रहा है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या है। तो यहाँ पे भी बहुत प्यारे तरीके से देखिए, पेड़ पौधे एकदम आर्ट की हुई है पूरी वॉल पे। और ये जो है यहाँ पे पूरे मिट्टी के बर्तन और मिट्टी, चीनी मिट्टी का सामान मिलता है सारा। तो वॉल पे आप हमेशा आर्ट देखेंगे, क्योंकि ये आर्ट म्यूजियम है। तो यहाँ कंप्लीट आपको आर्टिस्ट लोगों ने पूरी हर जगह आर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये शौचालय है, वॉशरूम के बाहर भी बहुत अच्छी पेंटिंग बना रखी है। ये देखिए कंप्लीट यहाँ पे टोटली क्राफ्ट चीज़ें हैं जो भी आपको मिलेंगी, ये A to Z। ये बुक्स वगैरह भी कंप्लीट क्राफ्टेड है। मतलब क्राफ्ट म्यूजियम अपने आप में एक, ये देखिए तो कंप्लीट यहाँ पे इंस्टॉल हैं, जो कि गवर्नमेंट लगवाती है इंस्टॉल, और लोग आके लगाते हैं, और गवर्नमेंट उनको पे भी करती है कि जो भी लोग इंस्टॉल लगाते हैं, गवर्नमेंट उनके पर दिन का उनको पे करती है। तो ये इंस्टॉल खाली हैं। इधर की तरफ की बात करूं तो ये भी कंप्लीट इस तरफ भी खाली हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, आगे की तरफ देखते हैं कुछ नया या कुछ अलग दिखता है क्या। अरे यार, ये लेकिन इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की हुई है, ये जो पेड़ के अलोंग जो इन्होंने ये सिटिंग एरिया के लिए बनाई है ना,
ये ऑटोमेटिक में एक अपना ही अलग ही डिजाइन है। ये देखिए वॉल पे आर्ट देखिए आप, कितना प्यारा प्यारा आर्ट ये लोग किए हैं। और ये देखिए कितना प्यारा बैल बना रखा है, एकदम क्यूट सा। वो इसके पास नहीं जा रहा है, ये सारे मटके उल्टे करके रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, कहीं गिर गया तो मेरी लग जाएगी। और कॉरिडोर में चलते हैं, और इस तरफ की बात करूँ तो इस तरफ राजस्थान का इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, क्यूट क्यूट सी कठपुतली। वो अले वाओ, ये देखो कितने प्यारी कमर मटका रहा है छोटू। अरे भाई कमर मटकवा दी छोटे ने, वो क्या बात है। पापे टकर किसी को लेने मतलब कट पुतली तो वो ले सकता है। ये देखो कितना प्यारा तरीके से वो अरे वाह। और ये सब यहाँ पे आप आके देख सकते हो, कितने प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये टोटल हैंडमेडेड ये एलिफेंट्स बनाए हुए हैं, हाथी वगैरह। और ये पपेट्स हैं, तो पपेट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं। जब भी आप आएँ तो यहाँ पता कर सकते हैं कि किसका क्या प्राइस है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें आपको मिलेंगे। तो भैया जैसे बोल रहे हैं कि पपेट की बात करें तो ये 300 रुपये जोड़ा है, तो मतलब और ये 50 का एक मिलेगा। और ये जो रेट हैं यहाँ पे आके आप रेट वगैरह कंफर्म कर सकते हैं। बैम्बू आर्ट, ये लकड़ी की कंप्लीट मूर्ति बनाई हुई है। हाँ कहाँ पे लगता है बेटा? कील पे। हाँ आपने ये देखा राजस्थान का जो ये पोपट शो, जिसको कठपुतली वाला शो बोलते हैं, तो ये आपने देखा। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। और यार ये जो क्राफ्ट म्यूजियम है यहाँ पे सब आपको यही चीज़ें मिलेंगी, हैंडमेडेड चीज़ें और पुरानी जितनी भी पुराने ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जो भी म्यूज़ियम है, म्यूज़ियमों में कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए कि अगर हम लोग किसी एज अ ब्लॉगर अगर हम किसी को कुछ चीज़ दिखा रहे हैं तो हम लोग इस सिचुएशन में नहीं दिखा सकते। तो चलिए जब भी मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आप दिल्ली और इवन दिल्ली के आसपास की जगह के भी हों और अगर आप दिल्ली आते हैं तो यहाँ तो आप ज़रूर रहिएगा, दिल खुश हो जाएगा। बहुत प्यारी जगह है, एकदम मज़ा आ जाएगा। रियली ये पसंद है जो मेरे आसपास आप देख रहे हो, तो घर, पेड़ पौधे, कुएँ और टोटल ग्रीनरी है यार। मतलब फुल फील आ जाता है कि हाँ यार आप किसी गाँव में घूम रहे हो। ये देखो मतलब मेरा मन करे मैं तो यहाँ पर हर हफ्ते आ जाऊँ, लेकिन अब हर हफ्ते तो नहीं आ सकते, और भी बहुत काम होते हैं। तो ये देखो जन्नत है यार, एक बार आओ भाई इधर आओ। ये जो मेरे पीछे वाली बिल्डिंग है यहाँ पे फिर से शूटिंग चल रही है, और ये टीम बैठी हुई है इनकी यहाँ पे। इससे मुझे समझ में आता है कि जो मॉडल है उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, एक एक शॉट को 50-50 टेक लेके कर रहे हैं। तो मॉडलिंग में बहुत इजी काम नहीं है भाई, जो हम लोग सोचते थे। तो एक ही है संग्रहालय यहाँ पर, और संग्रहालय के बाहर ये दुख बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये भी दिखाता हूँ कि जो यहाँ के पेंटर्स ने वॉल पे जो आर्ट्स किए वो मैं कंप्लीट एक बार दिखाता हूँ आपको, तो शायद आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखिए अब आगे कंप्लीट वॉल पे ये पूरी पेंटिंग की हुई है। वाओ, तो यहाँ की ये खूबसूरती है। वो दूर जंगल में मुझे एक हिरन दिख रहा है, क्या आपको वो दिख रहा है ब्लैक कलर का? अगर दिख रहा है तो कमेंट करना। हाँ ये म्यूजियम का पार्ट है, इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये राजा महाराजाओं का वॉल आर्ट, ये सब आपने देख ही लिया पुराना। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिली, और पुरानी चीज़ें तो बहुत थी यहाँ पे जो कि आजकल की पीढ़ी नहीं देख पाई है, वो लोग इधर आके देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधा घर। घर के लिए मुझे लेनी है मेट्रो, पहले मुझे जाना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के बाद फिर अपना कश्मीरी गेट के बाद फिर मुझे लेना पड़ेगा ऑटो, उसके बाद मैं निकलूँगा अपने घर। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और फॉलो करो यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार।